गैर राजनीतिक देशव्यापी देश के कई महामहिमों एवं वरिष्ठ माननीय द्वारा सराहनीय ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह ने आए दिन पुलिस द्वारा सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के साथ की जा रही मारपीट व अभद्रता को गंभीरता से लेते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व रक्षा प्रमुख विपिन रावत जी को पत्र भेजकर स्थायी समाधान हेतु लिखा था। ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पत्र पर संज्ञान लेते हुए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र सख्त कार्रवाई हेतु लिखा है और साथ ही रक्षा मंत्रालय ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को भेजे पत्र में ये भी लिखा है कि ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह के पत्र पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की जानकारी से होने व रक्षा मंत्रालय को भी अवगत कराए। अपने पत्र पर रक्षा मंत्रालय द्वारा लिए गए संज्ञान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह ने कहा कि सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के मनोबल को बनाए रखना देश व समाज के हित में है, जिसे किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पुलिस द्वारा सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक के साथ आए दिन की जाने वाली मारपीट व अभद्रता नहीं रुकती तो ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग एवं देशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होगा। पुलिस द्वारा अपने देश की शान भारतीय सेना के रिटायर्ड व वर्तमान सैनिक जो छुट्टी पर आते हैं उनके साथ आए दिन अपराधियों जैसा बर्ताव कर उनके साथ मारपीट, फर्जी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उनको या तो जेल भेजना या जेल भेजने की धमकी देना, जिससे सिर्फ घटना के शिकार जवानों का ही मनोबल नहीं बल्कि पूरे देश की सेना का मनोबल गिरता है, जिसको ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उस पर हमने भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी व तीनों सेनाओं के प्रमुख जी को एक पत्र भेजा और हमने उसमें लिखा कि पुलिस द्वारा जो सैनिकों के साथ व भूतपूर्व सैनिकों के साथ आए दिन जो घटनाएं की जाती हैं वह बहुत ही चिंता का विषय है और अगर इनको तत्काल नहीं रोका जाता तो हमारी देश की सेना का मनोबल लगातार गिरता रहेगा, जो किसी भी दृष्टि से देश व समाज हित में नहीं है। आज मुझे खुशी है कि हमारे पत्र पर रक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव सहित देश के सभी संबंधित लोगों को पत्र भेजकर कहा कि ऑपरेशन विजय के इस पत्र पर जो वास्तविक सेना के जवानों का मनोबल गिराने वाला कार्य पुलिस द्वारा किया जा रहा है उस पर सख्त कदम उठाएं और सरकारों द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह को दें व रक्षा मंत्रालय को भी दें। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ऑपरेशन विजय जो एक गैर राजनीतिक अभियान है, जो देश व समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने की दिशा में कार्य कर रहा है, उसके ऊपर रक्षा मंत्रालय ने एक्शन लिया और मुझे लगता है कि जब तक पुलिस की सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों के साथ की जा रही बर्बरता व उनके मनोबल को गिराने वाले किए जा रहे कार्य नहीं रुकते हैं तब तक ऑपरेशन विजय किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं और अगर आवश्यकता हुई तो हम पुलिस के इस अत्याचारपूर्ण रवैये के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद। जिला कुशीनगर के ग्राम मोरवन मटिया खुर से ग्राम प्रधान प्रत्याशी सरस्वती देवी पति सुरेश सिंह की ओर से नया वर्ष मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया अपना अमूल वोट देकर विजय बनाएं। धनंजय कुशवाहा बीडीसी पद के प्रत्याशी की ओर से नया वर्ष मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया अपना अमूल वोट देकर विजय बनाएं।